यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। यंग बाइट्स की खबर का हुआ असर, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यंग बाइट्स ग्रीवेंस में हम आपको गुमर टू इंडर चौक का दृश्य जो है दिखाया था, जो कि सड़क काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में थी और काफ़ी समय से यहाँ पर काम जो है नहीं हुआ था। और हमने आपको ये भी बताया था कि बिल्कुल जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टाउन हॉल के पास का ये रोड है, जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, काफ़ी बिजी रोड ये रहता है। और जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था और वहीं पर अगर बात की जाए, यंग बाइट्स की टीम ने यहाँ पर पहुंचकर जो है लोगों की ग्रीवेंस जानी थी और लोगों की ये शिकायतें थी कि कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और ख़राब सड़क के चलते जो है लोगों की गाड़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहता है। तो ऐसे में अब यहाँ का जो है रोड बिल्कुल ठीक हो चुका है, ब्लैक टॉपिंग यहाँ पर की जा चुकी है। लोगों ने पहले शिकायतें की थी कि काफ़ी समस्या उनको आ रही है, लंबे समय से यहाँ पर सड़क का काम नहीं हुआ है और अब जिस तरह से सड़क का काम हो चुका है, लोगों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ खुशी वो अपनी जाहिर करते हैं ये जानते हैं। तो कुछ लोग जो यहाँ पर है, जो डेली यहाँ से ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनको कितना आप कहेंगे कि लाभ मिला है, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा इंद्र कुमार है। इंद्र जी, क्या कहना चाहोगे कि जब यंग बाइट्स ने ये स्टोरी की उसके बाद ही इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? अच्छा लग रहा है मैम जी, क्योंकि पहले तो बहुत खड्डे थे यहाँ पे, कभी बाइक वाला गिरता था, कभी स्कूटी वाला गिरता था, कभी जरा हम रिक्शे वाले हैं, हमारा भी टायर फंस जाता था, तो काफी एक्सीडेंट होते थे यहाँ पे। अभी अच्छा लग रहा है हमें, बहुत बढ़िया। समय से रोड का काम नहीं हुआ था मैम जी, कम से कम भी 2 साल हो गए जी। ये 2 साल से ऐसा ही था, ना कोई इसकी केयर करता था ना कुछ करता, अब लेकिन बढ़िया जो बना है बढ़िया बना है, ऐसा ही होना चाहिए पूरे ऑल जम्मू क्या ऑल इंडिया में ऐसा होना चाहिए। गली होगी, चाहे बड़ी बड़ी रोड्स हो गए, कुछ भी हो गया, बाजार हो गए, मार्केट होगी, लेकिन ऐसा ही रोड होना चाहिए। ऐसा रोड बनेगा, पब्लिक जो है खुश रहेगी, कोई गिरेगा नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई इंजर नहीं होगा, इसे जो है सब बढ़िया रहेगा। अब शुक्रिया अदा करते हैं कंसर्निंग डिपार्टमेंट का। जी 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 मैम। आपका नाम? जमात अली। जमात जी, क्या कहना चाहोगे इस रोड के बारे में? ये रोड बहुत अच्छा बढ़िया बन गया है, अब जो और भी कहीं टूटा होगा ना, और भी बनाएंगे। अच्छा, बिल्कुल प्लान हो गया, पहले खड्डे बड़े हैं इसमें, अभी बहुत प्लान हो गए। अच्छा, पहले कितना नुकसान होता था? पहले बहुत जंप लगता था, हमारी दूध वाली गाड़ी आती थी, बड़ा जंप लगता था, कई बारी दूध डूल गया था इधर, मगर अभी बिल्कुल प्लान हो गया, अच्छा है जी। तो कैसे शुक्रिया अदा करते हैं आप? हाँ, बड़ा शुक्रिया, शुक्रिया लगता है। तो लोगों ने काफ़ी खुशी जाहिर की और उनका कहना है कि काफ़ी समय से यहाँ पर सड़क का काम नहीं हुआ था, लेकिन यंग बाइट्स की टीम यहाँ पर पहुँची और उन्होंने यहाँ की और जो है यहाँ की जो ग्रीवेंस थी उसका ध्यान केंद्रित जो है कंसर्निंग डिपार्टमेंट तक करवाने की कोशिश की और यहाँ पर समय पर काम जो है किया गया है। अब लोगों ने कंसर्निंग डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जम्मू शहर में कई सारी ऐसी सड़क है, वहाँ का भी कार्य जो है जल्दी किया जाना चाहिए और हमारी भी कोशिश रहेगी कि लोगों की जितनी भी ग्रीवेंस है उसको लेकर हम उन जगहों पर पहुँचे ताकि वहाँ पर कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो है जल्द से जल्द लोगों को सुविधा दे सके। अगले अपने लिए कब फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।